इंजन आ गई गाइस, कितने लीटर है? 55 लीटर है गाइस, सबसे बड़ी टंकी। गाइस काफी दिनों बाद एक बार फिर से मिस्टर इंडियन का चैनल पर है लिक्विड नाइट्रोजन। ये वाह, बहुत दिन हो गए थे गाइस। हाँ, स्मेल सूंघनी पड़ेगी इसकी। ओ गाइस, पूरा भरा हुआ है। और साथ ही साथ गाइस, अभी जो है हमारा जो तालाब है उसके अंदर भी पानी आ गया है। और आपको पता है कि जब लिक्विड नाइट्रोजन और पानी को मिक्स करते हैं तब क्या होता है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन ठंडी होती है -190 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, और जब ये दोनों चीजें मिलती है एक बहुत ही कमाल की रिएक्शन होती है। तो चलो इस पूरी लिक्विड नाइट्रोजन को ले चलते हैं तालाब के अंदर, और वहां पे इस पूरी 55 लीटर नाइट्रोजन को ही पानी के साथ में मिक्स कर देंगे, और फिर देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कितना मजा आता है। चलो 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 चलो। पानी बहुत सारा है, नाइट्रोजन भी बहुत सारी है। लौंडे उतारो, टंकी उतारो। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर अपन डालेंगे पूरे 55 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन। उतारो फटाफट फटाफट। इधर आ जाओ। लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो होती है -190 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई इतनी ठंडी नाइट्रोजन को अगर अपन पानी के अंदर डालेंगे तो इससे एनवायरनमेंट का क्या होगा, इसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर 75% से ज़्यादा नाइट्रोजन ही होती है। तो जब लिक्विड नाइट्रोजन को बनाया जाता है, एक्चुअली बनी बनाई होती है, वैसे इसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म के अंदर बदला जाता है, तो ये सिंपली बस वही है। और जब ये पानी के साथ में टच करेगी तो इवेपरेट होगी, बस इतनी सी चीज़ होगी, इसके बादल बनेंगे और वो बस देखने लायक होती है। तो इसका किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट पर साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी लेके दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी लिक्विड नाइट्रोजन निकाल लेता हूँ, फिर देखना। वाह, ये मेरी फेवरेट चीज़ है। अभी देखो पानी पे मिलाने पर क्या होता है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन पानी से टच करती है, देखना। देखो तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो यार, लिक्विड नाइट्रोजन किस तरीके से जा रही है, देखो बूंदे किस तरीके से तैर रही है, हो रॉकेट्स की तरह जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर जान हो, ये देखो। लेकिन इससे किसी भी जानवर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। वो कैसे, वो होगी लाइट एंड फ्रॉस्ट इफेक्ट की वजह से। देखो ये मेरा हाथ है, -190 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन, और मैं इसे अपने हाथ पर डालने वाला हूँ। देखो ये देखो मेरा हाथ बिल्कुल सही सलामत है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए इस बात की परवाह करना छोड़ दो। और हम फटाफट से क्या करते हैं, इस सारी को निकालते हैं बाल्टी के अंदर, फिर इसे डालते हैं सीधा इस पानी के अंदर कुछ इस तरीके से। देखो वाह, वीडियो को लाइक कर दो। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बाल्टी नहीं निकल रही है, बस 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 रुक जा, निकल गई। ठीक है गाइस, अभी निकालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। तीन बाल्टी हैं, देखते हैं कि दोनों भरती है या फिर तीनों भरती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली वाली बाल्टी से। आ जाओ, ये देखने में जितनी सरल दिख रही है ना, उतनी सरल है नहीं। कभी ट्राई मत कर लेना, हाथ का है ना पत्थर बन जाएगा ज्यादा देर रह गई तो, और अंदर चली गई तो किल बाबा किल होता है सीधा ही। ठीक है, तो ट्राई मत करना। ठीक है, इसमें डालते हैं। ठीक है, हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ, इससे पहले कि नाइट्रोजन खत्म हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी, हाथों में ग्लव। गाइस तैयार हो जाओ। गाइस इस बार तीन बाल्टियां हैं, तीनों जने अलग अलग, एक ऐसे फेंकेगा, एक ऐसे फेंकेगा, एक वैसे फेंकेगा। ठीक है गाइस, बाल्टी देखो इतनी सी देर के अंदर देखो जम गई है। ये देखो ये देखो पूरी तरीके से जम गई है, इसके चारों तरफ बर्फ है। ठीक है, उठा लो बाल्टियां, फैल जाओ, उधर जा गोविंद, आप बीच में थोड़ा और उधर, थोड़ा और उधर। हाँ तू यहीं पे गोविंद, तू और दिनेश पीछे, और पीछे मेरे तीन गिनने पर। ओके।
एक दो, दूर तक जाएंगे, एक दो तीन। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे पूरा बादल हुआ, देखो ठेठ वहां तक जा रही है, ये देखो गाइस। ओके ठीक है, मैं बादलों के अंदर जा रहा हूँ, एक दो तीन। गाइस हेवन हेवन, वाह यार देखो गाइस, पूरी देखो चारों तरफ से, वाह यार ये देखो कैसे जा रही नाइट्रोजन की बूंदे, देखो और उधर देखो वो पूरी जो नहर है ना गाइस, और वो पूरी नहर उससे भर गई है, थोड़ी सी और बची हुई है गाइस, उसको भी डालते हैं, बाकी बाल्टियों का हाल देखो गाइस। अंदर से देखो, ये देखो ओ ठीक है, गोइन डाल दे इसके अंदर सारी नाइट्रोजन, डाल दे। ठीक है गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर, चलो अभी पानी के अंदर चलते हैं और पानी के अंदर डालते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है गाइस, लिक्विड नाइट्रोजन तैर रही है, ये देखो, वाह यार, ओ तेरी फट गई बाल्टी, वो बाल्टी फट गई, ओ तेरी पानी के अंदर डालते बाल्टी फट गई, अभी फेंकते हैं ना, एक दो तीन। वाह रवि घूम गया, रवि घूम गया, ओ तेरी, अबे रवि रवि दिख रहा है आपको, रवि दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, उड़ जा। ये देखो ये रहा, कैसे तीरे जा रही है, देखो रॉकेट्स की तरह जा रही है ये सारी चीज़ें, ये देखो गाइस बूंद बूंद देखो, अभी तक भी थोड़ी थोड़ी सी है। तो गाइस यार ये होता है जब हम 55 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन को पानी के अंदर डालते हैं, कुछ ही सेकेंडों के अंदर जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो विपरीत होके चली जाती है, थोड़ी सी अभी बची हुई है ये देखो। तो आज के लिए नहीं, हमें नए डॉक्टर साहब में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।